राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पीपल बॉय WTF के लेटेस्ट एपिसोड में होस्ट निखिल कामत ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर के साथ गहरी और ईमानदार बातचीत की। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और चार्म के लिए जाने वाले रणवीर कपूर ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के बारे में बात की। साथ ही निखिल कामत के साथ अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और हैरान करने वाली समानताओं को शेयर किया। यह एपिसोड दो प्रभावशाली पर्सनालिटीज की लाइफ पर एक नजर डालता है, साथ ही उनकी जर्नी और फिलोसॉफीज के बारे में गहराई से जानकारी साझा करता है। बातचीत के दौरान निखिल कामत और रणवीर कपूर ने अपने बचपन और पारिवारिक जीवन से जुड़ी निजी कहानियां साझा की। कामत अपने शुरुआती जीवन को याद करते हैं, जब उन्हें अपने पिता की कैनरा बैंक में नौकरी की वजह से बार बार घर बदलना पड़ता था। इस दौरान उन्होंने अपने पिता की मृत्यु और अपने भाई के स्ट्रोक के भावनात्मक प्रभाव पर भी बात की है। साथ ही बताया कि कैसे इन अनुभवों ने उनकी उद्यमशीलता की भावनाओं को आकार दिया। निखिल और रणवीर दोनों ही अपनी पेशेवर चुनौतियों और असफलताओं के बारे में बात करते हैं। श्रोताओं को अपने संघर्षों और सफलताओं के बारे में ईमानदारी से उन्होंने कई चीजें बताई है। पीपल बॉय WTF का यह एपिसोड खास है क्योंकि यह उन दुर्लभ मौकों में से एक है जब रणवीर कपूर फिल्म रिलीज को फोकस में रखे बिना बात कर रहे हैं। प्रमोशनल इंटरव्यूज की लिमिट्स के बिना कपूर अपना असली रूप, मनोरंजन इंडस्ट्री पर अपने विचार और एक्टिंग से परे अपने सपनों को शेयर किया है। उन्होंने भविष्य में डायरेक्शन और प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाने की अपनी इच्छा के बारे में बात की है। साथ ही बताया है कि किस तरह से वे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाते हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।